न्यूयॉर्क से खबर शामिल करते हैं जहां पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया। फेटफ का दो रोजा इजलास पेरिस में हुआ जिसमें पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकालने का जायजा लिया गया। इजलास में पाकिस्तानी वफद की क्यादत वजीर मम्लिकत बराए खारजा अमूर हिना रुबानी खर ने की। इजलास के बाद बाकायदा फेटफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का ऐलान किया। फेटफ के ग्रे लिस्ट से निकलने से पाकिस्तान के लिए गैर मुल्की फंडिंग का हसूल आसान हो जाएगा। अलामी के मुताबिक पाकिस्तान FATF की मॉनिटरिंग में रहेगा। पाकिस्तान को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टैरिफ फाइनेंसिंग कानून पर मजीद अमल दरामद की जरूरत है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने अपने ट्वीट में कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट से निकल चुका है।